मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणालापने। तत्वार सूत्र में नौमा अध्याय अने नौमा अध्याय में पण संवरना कारण रूपे जो गुप्ती हैं उन गुप्ती की चर्चा चल रही बराबर। गुप्ती की चर्चा में समीचीन प्रकार से मन वचन काय को रोकना उसका नाम गुप्ती है, ये हमने समझा। उसके बाद फिर यहाँ पे दो भेद भी हुए जिसे कहते हैं निश्चय गुप्ती और व्यवहार गुप्ती बराबर। और फिर दोनों के अंतर भी बताए थे कि निश्चय गुप्ती किसे कहते हैं और व्यवहार गुप्ती किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहां से अपनी चर्चा चलूरी चालू हुई थी। देखिए निश्चय मनोगुप्ती क्या कहलाता है और व्यवहार मनोगुप्ती, ये सब आप देखेंगे ये दो भेद हो गए थे गुप्ती के, दो भेद मनोगुप्ती वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और मनोगुप्ती भी दो प्रकार की, वचन गुप्ती भी दो प्रकार की और काय गुप्ती भी दो प्रकार। उसके बाद में फिर हमने मनोगुप्ती के दो भेद किए, कौन कौन से, निश्चय मनोगुप्ती और व्यवहार। और निश्चय मनोगुप्ती में ये बात नक्की हुई कि आत्मा में स्थिरता करना वो निश्चय मनोगुप्ती, और कषाय आदि को रोकने के लिए अध्ययन आदि क्रियाओं में मन को स्थिर कर देना ये व्यवहार मनोवृत्ति। दो चीजें आ गई, दो पॉइंट को समझना। एक पॉइंट है जिसे कहते हैं आत्मलीनता का, और दूसरा पॉइंट है कि जब आत्मलीनता नहीं हो तो एटलीस्ट अच्छे कार्य में मन लगा रहे। पॉइंट समझ में आया, ये भी बहुत अच्छी बात। आप अगर देखेंगे तो साधुओं का जीवन देखो, चाहे ज्ञानियों का जीवन देखो, चाहे किसी का जीवन देखो, एक चीज बहुत अच्छी उनको दिखाई देगी अपने अपने को उनके जीवन में, कि वो अपने मन को किसी ना किसी वस्तु में लगा के रखते हैं। आपको लगता होगा कि साधुचर्या कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन साधुचर्या 24/7 बिजी, प्रति समय उस क्रिया में कहीं सामायिक, कहीं प्रतिक्रमण, कहीं ध्यान, कहीं अध्ययन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, ऐसे कहकर पूरी साधुचर्या में लगातार 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 प्रवृत्ति 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 रहती रहती। क्यों? क्योंकि निश्चय गुप्ती हो तो वेल एंड गुड, और अगर निश्चय गुप्ती ना हो पाए तो क्या करना, तो एटलीस्ट सद निमित्तों में अपना मन लगा रहे। जो लोग थोड़े मूर्ख किस्म के होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अरे आत्मा में क्या जाना, शास्त्रों में क्या जाना, हमें तो डायरेक्ट आत्मा में ही जाना। भाई अगर डायरेक्ट तू आत्मा में जा सके तो बहुत बढ़िया, लेकिन आत्मा में जा नहीं रहा, शास्त्रों में रुक नहीं रहा, तो क्या होगा, ये तो भ्रष्टा था तो भ्रष्टा। आप किसी अध्ययन के काम में जुड़ जाओ बराबर, दिन रात एक कर दो, आप ये नहीं सोचो कि उससे क्या मिल रहा है, लेकिन ये तो सोचो कि उसके कारण कितनी कितनी चीजों से बच रहे। मिलना मिलना ये तो व्यापार है, लेना देना ये तो व्यापार है। हम तो यहाँ पर औषधि के रूप में बात कर रहे हैं कि जिनवाणी से हमें कुछ मिलेगा, ये तो बड़ी सेकंड नंबर की बात है। मतलब जब हम जिनवाणी का व्यापार करने लगे वो बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जिनवाणी जो हो रही है वो खुद ब खुद हमें पापों से बचा रही है, धर्म में लगा रही है, कषायों को कम कर रही है, वैराग्य दिला रही है, सब काम तो वो कर रही जो हमें करना है, तो फिर हम उसमें क्यों ना लगे, क्यों उसमें ना डूबे। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए क्या मिल रहा है ये एक बनिया बुद्धि से उत्पन्न होने वाला प्रश्न,
समझ में आया? तो ये बनिया बुद्धि काम नहीं चल, इसीलिए मन को प्रशस्त कार्यों में लगा के रहो रखो। शास्त्रों में मुनिराजों के लिए भी करुणा नियोग का अध्ययन अध्यापन इसके लिए बोला जाता है कि अति चंचल मन भी हो जो एक सेकंड ना बैठता हो, ऐसा चंचल मन भी अगर शास्त्र के अध्ययन मनन में लग जाता है तो हिलता नहीं अपनी जगह, इतना उसका प्रभाव रहता है। बराबर, इसीलिए निश्चय मनोगुप्ति में आत्मा की बात और व्यवहार मनोगुप्ति में एकाग्रता की बात। बराबर, क्या बोला? निश्चय मनोगुप्ति में आत्मा की बात है और व्यवहार मनोगुप्ति में एकाग्रता की बात है। जो आत्मा में नहीं जाते जा पाते उनको एटलीस्ट एकाग्र होकर सत शास्त्रों का अध्ययन मनन आदि करना ही करना चाहिए, ये नियम। बराबर, इसीलिए पर फिर कोई क्या हिसाब, ये तो शुभोपयोग है, ये है वो है, हाँ भाई सब पता है, लेकिन अगर तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो क्या करो, सत्कार नहीं करोगे तो क्या करो। ऐसा कहते ना, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार आपको याद कराता हूँ, है ना यार, शांति पाठ की लाइन, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना, सत्संग शुद्धा चरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। कि जब तक मैं आत्मा में नहीं जा रहा हूं तब तक क्या करना है, चार चीजें, सत्संग शास्त्रों का अभ्यास, सत्संग शुद्ध आचरण शास्त्रों का अभ्यास तीसरे नंबर की बात, और आत्मा की भाव, बस ये चार काम करते रहे। कब तक? जब तक आत्मा आत्मा में स्थित नहीं हो रहा। बराबर, तो ये व्यवहार बुद्धि के बेनिफिट है। आगे जरा अपन और आगे बढ़ाते हैं और कुछ कदम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, मनोगुप्ति पालन करने से क्या लाभ। देखो कौन पढ़ेगा मनोगुप्ति के लाभ, कौन पढ़ेगा? चलो खुशी बहन पढ़ो, चलो। बोलो, मनोगुप्ति पालन करने से क्या लाभ है? पहला, मनोगुप्ति पालने से पूर्ण संवर उत्पन्न होता है एवं यह निर्जरा करने वाली है। यह मोक्ष की माता एवं श्रेष्ठ गुणों की खानी है। इससे इंद्रियों का निरोध होता है एवं वचन गुप्ति और काय गुप्ति का पालन होता है। इससे कषाय आदि समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है। शत्रुओं के चार की चर्चा करते पहले। देखो सबसे पहले नंबर की बात, मनोगुप्ति पालन करने से पूर्ण संवर होता है, यानी जो निश्चय संवर कहलाता है, निश्चय संवर। निश्चय संवर क्या है? कि आत्मा आत्मा में जमा रहे, ये निश्चय संवर। और ये कैसे होगा? बोले मनोगुप्ति पालन करोगे, मन एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो अशुद्धता में नहीं जाएगा, शुद्धता में जाएगा तो मनोगुप्ति पालन हो जाएगी। बराबर, ये संवर निर्जरा करने वाली। फिर मोक्ष की माता और श्रेष्ठ गुणों की खानी। मोक्ष की माता, कि अगर आप जो जो भी मोक्ष अवस्था को पाए उनसे पूछो कि भैया तुम्हें मोक्ष कैसे मिला, तो क्या बोलेंगे? कि भाई हम 48 मिनट तक अपनी आत्मा में एकाग्र हो गए, और जो अपनी आत्मा में अमुक टाइम तक एकाग्र हो जाता है तो मोक्ष को पा जाता है। तो मोक्ष उत्पन्न किसके कारण हुआ? मनोगुप्ति के कारण। तो मनोगुप्ति को क्या बोला? मोक्ष की माता। और दूसरे नंबर की बात बहुत इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ गुणों की खांड, खीण कहवाए बुझा, खीण। देखो आज आप विचार करना कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मौन रहने लगता है और चिंतन मनन करने लगता है, अपने आप उसके अंदर में अच्छे अच्छे गुण प्रकट होने लगते। बोल बोल कर व्यर्थ का विचार कर करके, व्यर्थ के काम करके हम अपनी इतनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं
कि अच्छे काम करने की ताकत ही नहीं बचती। पॉइंट समझ में? जैसे होता है ना, आप छोटे बालक को देखो, हालांकि उसकी बालपन के हिसाब से वो काम खराब नहीं है, लेकिन दिन भर दौड़ दौड़ धमा चौकड़ी पूरे दिन, और रात को ऐसे थक जाए कि मतलब पैर दबाओ नहीं, ऐसे मतलब भयंकर। अब आप विचार करके देखो कि उसने पूरे दिन इतनी मेहनत की, किया क्या है? समझना, ये है कि हमारा भी यही बालपन है, मन से वचन से काया से इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं कि कोई सार्थक काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती हमारे पास। हाँ, और जैसे ही आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, व्यर्थ के चीजों में अपने आप को नहीं फंसाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में जो सरप्लस एनर्जी रहती है विचार की, सरप्लस एनर्जी रहती है ज्ञान की, सरप्लस एनर्जी रहती है श्रम की, शक्ति की, वो एनर्जी मिलकर अच्छे गुणों को आपके अंदर में उत्पन्न करने में सहायक बनती है। समझ में आया कि नहीं? आप अपनी सकारात्मकता मनोवृत्ति से हजार गुना बढ़ा सकते, आप अपनी रचनात्मकता मनोवृत्ति से हजार गुना बढ़ा सकते। आपके अंदर में जो भी गुण आपको चाहिए हो, है ना, वो आप मनोवृत्ति से एकाग्र करो, अपने आप वो गुण प्रकट होते जाए। कुछ नहीं करना है, एकाग्र होकर उस चीज के बारे में सोचना है कि ये काम मैं कैसे करूंगा, ये काम कैसे होगा, पर ये चिंतन मात्र से ऑटोमेटिकली होने लगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज हम सबको सीखने लायक है कि मनोवृत्ति श्रेष्ठ गुणों की खान है, कि अगर आप मनोवृत्ति का पालन करेंगे तो आपो आप आपके अंदर में अच्छे अच्छे गुण प्रकट होने लग जाएंगे। बराबर? देखिए, यहां से आया, दो हो गया। अब देखो, इंद्रियों का निरोध होता है, अच्छी जगह मन को लगाने जाओ, आपकी इंद्रिय अपने आप में नियंत्रित हो जाएंगी। आप देखोगे कि जैसे क्या कहते हैं, पुरुषों के लिए ऐसा बोला जाता है, जैसे चौमासा हो ना, चौमासा और दो बहुत तेज बारिश हो, जो मेरे खास एक रिलेटिव बहुत बोलती थी, और पुरुष वर्ग हो वो ऑफिस वापस ना जाए तो फिर घर पे बैठे, और घर पे बैठे तो फिर हैरान करे, पुड़ला बनाओ, भजिए बनाओ, पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बराबर ना? तो बार बार ये बात बोलते, तुम तो ऑफिस जाओ तो ठीक, घर में बैठे हो तो 24 घंटे रसोई में घुसना पड़ता है, है? मन वहां एकाग्र हो गया, इच्छा कम हो गई, और मन एकाग्र नहीं हुआ तो इच्छाओं को बहुत जगह मिल जाती, फिर वो कहीं खाने पीने की इच्छा, कहीं भोग विलास की इच्छा, कहीं बकवास की इच्छा, कहीं व्यर्थ ना जाने कितने कितने प्रकार की इच्छाएं फिर होती है। इसीलिए मनोगुप्ति है ना, वो मनोगुप्ति वचन गुप्ति को भी खींच कर ले आती, काय गुप्ति को भी खींच कर ले आती, ये दोनों को लेकर आ जाती, और इंद्रियों का जो परिणमन है उसको रोक देती। सत कार्य में लगना ही असत कार्य से हटने का उपाय है, ये समझो। आप सोचो असत कार्य से हट जाऊं, असत कार्य से हट जाऊं, और सत कार्य में ना लगू, समझे? क्या बोला? असत कार्य से हट जाऊं ऐसा तो सोचो, लेकिन सत्कार्य में ना लगू ऐसा विचार ना करो, तो कभी ऐसा होता नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड दो, मैं ये नहीं करूंगा ऐसा मत सोचो, मैं ये करूंगा ऐसा सोचो। क्या बोला है? मैं गुस्सा नहीं करूंगा ऐसा मत सोचो, मैं स्वाध्याय करूंगा ऐसा सोचो, मैं क्षमा धारण करूंगा ऐसा सोचो, मैं मार नहीं करूंगा ऐसे नहीं कि सोचो, मैं पॉजिटिव समभावी बनूंगा। बात ख्याल में? मैं कपट नहीं 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 वाला नहीं सोचो, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा सोचो। बराबर? सकारात्मकता में रास्ता मिलता है, नकारात्मकता में रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए आप क्या नहीं करना चाहते हैं ये मत सोचो कभी, क्या क्या करना चाहते हैं ये सोचो।
समझ में आया? आप चाहते हैं मैं पापों से नहीं, पाप में नहीं पढ़ू, पाप में नहीं पढ़ू, क्यों बोलते हो? आप ये सोचते कि मैं अच्छा काम करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं चिंतन मनन करूं, मैं धर्म ध्यान आराधन करूं, ऐसा सोचो ना, ऐसे सोचने से भला होता है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारो और ध्यान दो। अब पाप से, अब देखो, कषाय आदि समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है। मनोगुप्ति में जो रहता है, निश्चय मनोगुप्ति हो तो निरोध हो ही जाता है, लेकिन अगर व्यवहार मनोगुप्ति हो तो व्यवहार मनोगुप्ति में भी कषाय रहती नहीं है। पता है आप, व्यवहार मनोगुप्ति में भी कषाय रहती नहीं है, व्यवहार मनोगुप्ति भी कषायों को कम कर देती, क्योंकि विषय व्यवहारिक मनोगुप्ति में भी क्या रहता है, स्वाध्याय का बल तो रहता ही रहता है। स्वाध्याय का बल नहीं होगा तो कोई भी आत्मा के कोई मंत्र पर किसी भी रूप में आपका मन एकाग्र हो तो वो आपके अंदर में अपने आप कषाय को छूट को कम कर देती। समझ में? ज्ञान एकाग्र रहे तो अपने आप कषायों को कमजोर करने वाला हो जाता है, ज्ञान भटका रहे तो कषाय को बढ़ाता। बराबर समझ में आया कि नहीं है? बोलो दिनेश। मंदिर जी का कुछ काम करेंगे तो वो मनोगुप्ति होगी क्या? क्या मंदिर जी का कुछ भी काम करें? देखो कैसा काम, कुछ काम से नक्की नहीं होगा मनोगुप्ति है कि क्या, क्या काम करना है आप? पुस्तक के साफ सुथ करे, ज्ञान भंडार में काय मुक्ति कर। लेकिन इसमें देखो काया का काम हो रहा है तो काय स्थिर है, लेकिन मन उसमें तल्लीन है तब जाके मनोगुप्ति। पॉइंट समझ में? कि साफ सफाई कर रहे हैं, कवर चढ़ा रहे हैं, उसमें आप एकाग्र हो, डूबे हुए हो, आपका मन बवंडर नहीं मचा रहा, वो तल्लीन है उस काम, तो उस प्रकार से व्यवहार की काय गुप्ति कहला। क्योंकि यही तो हम करना चाहते, शास्त्र पढ़कर भी क्या करना चाहते, मन की एकाग्रता, भक्ति पूजन स्वाध्याय आदि करके भी क्या करना चाहते हैं, मन की एकाग्रता। अब जिसका क्षोभसम नहीं है शास्त्र पढ़ने का, वो क्या करेगा, क्या उसका मन भटकते ही रहेगा? बोले नहीं आचार्यों ने, अरे संघ में भी ऐसा होता है, संघ में भी जिनका क्षोभसम बहुत अच्छा होता है उन्हें इस काम में लगाते हैं, और जिनका क्षोभसम अच्छा नहीं होता, 700 लोगों का संघ होगा अगर तो सारे थोड़ी ए ग्रेड विद्यार्थी होंगे जो ग्रंथ पढ़ लें याद कर लें, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ याद नहीं होता। तो आचार्य ऐसे साधुओं को थोड़े स्थूल कार्यों में लगा देते हैं कि भैया तुम कमंडल लेकर जाना, कमंडल रख के आना, ये चिट्ठी उनको दे देना, ये काम उनसे करवा देना, ऐसा वहां पर भी बताया जाता। यानी कहना क्या चाह रहा है कि जिसका जैसा क्षोभसम हो उसके आधार पर उसे वैसा काम सौंपा जाता, और उससे अपेक्षा रखी जाती है कि तुम्हें ये काम सौंप रहे ना, तुम एकाग्रता से करो। बोले उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मन है, जो भटक रहा है, वो भटका हुआ मन एकाग्र हो जाएगा, और जैसे ही वो भटका हुआ मन एकाग्र होगा तो उससे जो लाभ चाहिए है वो लाभ हो जाएगा। पॉइंट समझना? इसीलिए धर्म में कोई भी काम को छोटा नहीं बोला जाता, क्योंकि जो पर्पस बड़े से बड़े काम का है वही पर्पस छोटे से छोटे काम, ये बड़ा गजब है। व्यापार में छोटे इन्वेस्टमेंट में छोटा रिटर्न मिलता है और बड़े इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न मिलता है, बराबर। लेकिन धर्म में कहते हैं भैया यहाँ छोटा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा रिटर्न दे जाए और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नल एंड वाइड मिल जाए। शिवभूति जी ने कितना छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था, है एक शेयर लेना, मतलब बड़ी कंपनी का एक शेयर मात्र लेना, और कितना छोटा सा था वो, क्या था उनका इन्वेस्टमेंट शेयर क्या था, दाल अने छिलका बिंदु, इतना सा शेयर लिया और रिटर्न कितना मिला, केवल ज्ञान। और वहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर यानी 11 अंगों पूर्व के पार्टी रगड़ते फिर रहे, शिवभूति जी मोक्ष में बैठे बैठे आनंद ले रहे और 11 अंग नौ पूर्व के पार्टी दुखी हो रहे। यानी मोक्ष मार्ग बड़ा गजब है,
संसार के जैसा नहीं कि बड़े इन्वेस्ट में बड़ा रिटर्न और छोटे इन्वेस्टमेंट में कहते ना पेनी शेयर से पेनी रिटर्न मिले, और अगर ये पेनी है तो बड़े शेयर को क्या बोलेंगे, मेमथ शेयर उससे बड़ा रिटर्न, ऐसा नहीं बोल रहे, छोटे से भी बड़ा हो सकता है और बड़े से बड़ा काम भी व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए हम तो जैसे आप कहे था ना कि भाई मंदिर में अगर जूते चप्पल संभाल के रखने का काम भी मिले ना तो वो काम भी आपके अंदर विशुद्धि बढ़ाने वाला हो। कौन सा काम मिले कि दरवाजे के बाहर ड्यूटी दिए जाए कि तुम देखो बराबर शूज और जो सैंडल है वो बराबर है कि नहीं, वो भी आपकी एकाग्रता का कारण बन सकता, विशुद्धता का कारण बन सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पंडितों को वहां बिठा दो तो फिर इसका दूसरा मतलब ये निकलेगा कि जो जूते चप्पल देख रहा है उनसे प्रवचन करवा दो। काम सबके जो है वो अलग अलग, लेकिन पर्पस सबका एक, पॉइंट समझे कि नहीं समझे। वो पंडित तो वो भी कर देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रवचन कौन सुनेगा फिर? पॉइंट ख्याल में है कि नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बिठा लोगे तो मैं नारा, हमने जयपुर में खूब व्यवस्थाएं बनाई है, जब थे जब सब कहते सबके लिए नाश्ता सप्लाई करने जाते थे, मेरा तो VIP डिपार्टमेंट था जयपुर में, जब शिविर लगता था तो सारे विद्वानों को नाश्ता देना, उनको चाय देना, यही मेरा काम था समझ आया कि नहीं है? तो मतलब कहने का तात्पर्य आप समझे ना, यहाँ कार्य की बात नहीं है, सब कार्यों का एक पर्पस, अंदर में विशुद्धता बढ़े, अंदर में कषाय घटे, अंदर में एकाग्रता आए, तल्लीनता आए, जड़ बुद्धि निकले, राग बुद्धि निकले, लाभ बुद्धि निकले, लोभ बुद्धि निकले, ये पर्पस। तो स्वाध्याय करके भी वही करना है और ये कोई बाहर का स्कूल काम है वो भी करना है, यानी कार्य का डिपार्टमेंट डिवाइडेशन आपकी योग्यता आपके क्षोभसम के अनुसार होगा, लेकिन पर्पस अनडिवाइडेड रहेगा, सारे कार्यों का एक पर्पस। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? कार्य अलग अलग लेकिन पर्पस एक, बराबर। चल इसीलिए ये लघुता ग्रंथि भी अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए, ये हम क्या कर रहे हैं, इतना प्रवचन कर देते तो अब प्रवचन का मौका आएगा तो प्रवचन कर देना, अभी व्यवहार का मौका है तो व्यवहार करो। पॉइंट समझे कि नहीं? आगे की पढ़ो फिर पांचवे छठा सात। शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान से पूर्ण सवर निर्जरा एवं पूर्ण सवर निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। बराबर। घातिया कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य गुणों के साथ साथ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता है। बराबर। अब यहाँ से बता रहे पूरी की पूरी चैन बता रहे कि शत्रुओं के निरोध से, ओहो महामृत्युंजय मंत्र हो गया ये तो, सारे शत्रुओं का निरोध हो गया है। हाँ सही बात है, गलत नहीं कि जो भी सिद्ध करना चाहते हैं वो सारे शत्रुओं का निषेध इसके द्वारा हो जाता है, अज्ञान प्रमाद विषय विकार मोह राग द्वेष, इन सारे शत्रुओं का समाधान इसके द्वारा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? बोले ऐसे करते करते केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के बाद क्या होता है कि केवल ज्ञान के साथ मोक्ष हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो मनोगुप्ति से मोक्ष का प्रारंभ और मोक्ष की पूर्णता दोनों ही हो जाती है, ठीक है ना। चल आगे अपन देखते हैं, निश्चय वचन गुप्ति और व्यवहार वचन गुप्ति। पढ़ो। निश्चय वचन गुप्ति, समस्त असत्य भाषा का परिहार अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ति है, और व्यवहार वचन गुप्ति, पाप की हेतु भूत ऐसी स्त्री कथा राज कथा चोर कथा भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार अथवा असत्यादि की निवृत्ति वाले वचन वह वचन गुप्ति है। बहुत बढ़िया। अभी क्या कहते हैं, दो बातें यहाँ पर भी हैं, निश्चय वचन गुप्ति और व्यवहार वचन गुप्ति। जैसे अपन ने मनोगुप्ति में लगाई थी दो बातें, वो यहाँ पे लागू होंगी कि सबसे पहले अगर पूछा जाए तो क्या कि मौन हो जाना, कैसा मौन हो जाना, एकदम मौन हो जाना।
देखो मौन भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक मौन कहता है वचन से मौन, एक मौन कहलाता है कास्ट मौन कि मतलब लकड़ी के जैसे हो जाना, एक मौन कहलाता है आर्य मौन, आर्य मौन। तो वचन वचनों से मौन होना वो केवल मौन है, बाकी देख रहा है, बात कर रहा है, सब कर रहे हैं, बात नहीं करेगा लेकिन बाकी सब हाव भाव चिट्ठी पत्री सब चलेगी उसकी। दूसरा मौन कहलाता है आर्य मौन, जिससे वचन नहीं होगा, चलना फिरना होगा, देखेगा भी नहीं लेकिन हलन चलन होगा। तीसरा एक मौन कहा जाता है कास्ट मौन, कास्ट मौन मतलब लकड़ी के जैसे हो जाएगा, जैसे मतलब वो है ही नहीं। तो मन भी रुका है, वचन भी रुका है और काय भी रुके, ऐसे करके ये बात। अधिकतर लोग अगर मौन तो पालन ही नहीं करते, और अगर मौन पालन भी करते हैं तो मुंह का मौन करते हैं, विचारों का मौन नहीं करते, बराबर विचारों का मौन नहीं करते, देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, इशारों में बतियाते भी रहते हैं, ये सारे काम वो कर रहे, बराबर अंतर इतना है मुंह से बोल नहीं, तो इसमें ज्यादा दम नहीं, क्योंकि जो काम बोलकर हो रहा था वही काम अब नहीं हो रहा है। लगभग कोई बात है कि मेरा मौन है इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा लेकिन व्हाट्सएप चैट कर लूंगा है? और कोई कह भी नहीं सा बात सही है, दोस्त कहां लग रहा है, आपने तो बोलने का मना किया था, चैटिंग का थोड़ी मना किया, दिन भर मौन रखे और दिन भर बतियाता रहे, अब इसे किस कैटेगरी में रखोगे, मौन है कि नहीं कैटेगरी बनानी पड़ते हैं। कयो मौन, ऑनलाइन मौन, इंटरनेट मौन, एरोप्लेन मोड मौन, एरोप्लेन मौन, बराबर इफेक्ट्स है। क्योंकि मौन नहीं बोलना ये एक एक पर्पस नहीं, बोलकर कुछ नहीं, बोलकर कुछ पाना, और अगर वो पाना नहीं हो रहा है तो नहीं बोलने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे होते हैं मौनी एकादशी के दिन मौन ले लिया, सब मौन व्रत ले लिया, मौन व्रत ले, मगर मुद्दा है कर क्या रहे हो, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसे तो के कहीं भी को भवन में जाके मौन बैठ गई तो क्या कोई उससे केवल ज्ञान हो गया, रामायण हो गई पूरी की पूरी, समझ में आएगी नहीं, उससे बढ़िया तो बोल लेते, थोड़ा उभर का निकल जाता। इसलिए देखो मौन एक्चुअल में वचन से उतना ज्यादा संबंध नहीं है, वचन आदि के द्वारा जीव का जो बिगाड़ होता है उस बिगाड़ को हटाने के लिए। इसीलिए अगर आप कभी मौन लो तो उस दिन एक एक काम करना कि फोन में तो कोई काम होगा नहीं, मोस्टली ये करना कि मैं अगर फोन का त्याग नहीं कर पाता हूं तो एटलीस्ट इंटरनेट का तो त्याग कर ही दूं। नो इंटरनेट, ये सबसे बड़ा मौन हो जाएगा। और अगर आप इंटरनेट पे खामोश हो गए ना तो वैसे ही आजकल लोग बतियाते कम। मैं आपको बताऊं मेरे ऑफिस में 15 मिनट का टी ब्रेक होता है, और 15 मिनट के टी ब्रेक में जब जब मोबाइल और फ्री डेटा का जमाना नहीं था तो सब बैठ के बातें करते, अब सब अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना मोबाइल लेकर चले जाते, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी, कोई टिकटॉक टेरिटरी में रह रहा है, कोई व्हाट्सएप टेरिटरी में रह रहा है, कोई इंस्टा टेरिटरी में रह रहा है, कोई कॉलिंग टेरिटरी में है, कोई मैसेजिंग टेरिटरी में है, कोई की शेयर बाजार वाली टेरिटरी, सब अपने उसमें ही है, तो सब अपनी अपनी टेरिटरी में है, सबका मौन है और सब व्यस्त है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो ये क्या बता रहा है कि भाई थोड़ा समझो, मौन होना काफी नहीं है, मन का मौन ये बड़ी बात, वचन का मौन मन का अनुकरण करता है। इसलिए अगर आपने मुंह पर ताला लगा दिया तो मौन हो गया, ये बड़ी अधूरी सी और ऊपरी ऊपरी व्याख्या है। सही प्रारूप में व्याख्या तो क्या है, सर्व प्रकार के वचन व्यवहारों के द्वारा जो जो भी विकल्प मन में होता है उन विकल्पों से अपने आप को सीमित कर देना,
उसका नाम मौन। ऐसे मौन का सकारात्मक पक्ष आत्मानुभवन है, इसलिए सच्ची वचन गुप्ति आत्मानुभवन वाली, सच्ची निश्चय वचन गुप्ति आत्मा की वेदन वाली। ठीक है, व्यवहार से वचन गुप्ति क्या कहलाती? तो व्यवहार से वचन गुप्ति मतलब वचनों का सदुपयोग। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? निश्चय की वचन गुप्ति मतलब वचनों से परे जान, और व्यवहार की वचन गुप्ति मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ आपके जो वचन है वो वचनों का सदुपयोग। तो वहां बताते कि वचनों के सदुपयोग के लिए क्या करना, बोले दुरुपयोग अटका दो। तो दुरुपयोग क्या होता है तो बताते, पाप की हेतु भूत ऐसी चीजें जो मात्र पाप का कारण है। ऐसी कौन कौन सी चीजें? स्त्री कथा, बराबर, स्त्री आदि का विचार करना, समझे? अब वो सब में समझ लेना कि विचार कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, देख रहा है, ये सब स्त्री कथा के अंतर्गत आए। बोले नहीं, लेकिन अभी नेटवर्क में मोबाइल में जा जाके वही पढ़े तो भी विकथा हुई, नेट पर वही सर्च करे तो भी विकथा हुई। ये सब कुल मिला के उसके चिंतन में स्त्री ही चले तो वो कहलाती है स्त्री नाम की विकथा। राजकथा, राजकथा क्या होती है? जिसे अपन सरल भाषा में कहेंगे डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग कर्तव्यों के रूप में इतने ज्यादा उदासीन है कि कभी वोट डालने भी नहीं जाते, और वो लोग ऐसी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए, ना राहुल गांधी को वैसा करना चाहिए, ना बाइडेन को ऐसा करना चाहिए, ना बोरिस को वैसा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान लेकर बैठे। ये लोग उगल निगल में मास्टर होते हैं, बराबर, व्हाट्सएप पढ़कर उगल लेते हैं, बराबर, अंदर, और जैसे ही कोई मित्र आदि मिलते हैं तो निगल देते हैं। बड़े पवित्र जीव होते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं रख, अपना कुछ सोचते भी नहीं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, जो सुना सो सुना दिया। अब उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं होता कि सुनने सुनाने वाला क्या है, कैसा है, कि कोई भी विचार उनके अंदर में नहीं रहता। उन्हें तो एक ही काम पवित्र लगता है कि जैसे अगर मेरे पास ये जानकारी आई है, बराबर, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से, तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं मुख के द्वारा, मैसेज के द्वारा जगत के पामर जीवों को इस लाभ से वंचित ना रख, सबको मिलना चाहिए। सब राजनीतिक व्यू अपने रखते, जिनको राजनीति का एबीसीडी भी पता नहीं है वो पॉलिटिकल पंडितों के जैसे बात करते। समझ में आए? इसीलिए ये जो सब है ना, ये विकथा है। माताओं बहनों में, पुरुषों में ये दोनों चीजें बहुत होती है, ये पुरुषों में ये दोनों चीजें बहुत होती है, मतलब बीमारियां हैं पुरुषों की। ये दो क्या होते हैं? जो कम उम्र के पुरुष होते हैं वो स्त्री कथा में पड़े रहते हैं, और जो थोड़े मैच्योर होते हैं वो राजकथा में पड़े रहते हैं, बराबर। अच्छा, पुरुष ही स्त्री कथा करते हैं ऐसा नहीं, स्त्रियां भी स्त्री कथा करती, बस इतना अंतर होता है कि पुरुष थोड़े रागमय दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं, तो स्त्रियों में भी स्त्री की चर्चा ईर्ष्या के रूप में होती, कहीं और रूप में होगी। मगर मुद्दा यह है कि ये चर्चा करना जरूरी है क्या? और कोई विषय बचा नहीं है? नहीं हो तो हमसे ले जाओ, हम देते हैं, है? समझ में आया? आजकल तो खुशी बहन भी बहुत विचार करने लायक देने लगे, 10-10, 15-15 प्रवचन के पॉइंट्स आते, करो चर्चा, 1 घंटे सुनो, 10 घंटे चर्चा करो। ऐसा दिन कब पंडित जी, इतना ही, इतना होना भी तो चाहिए, है? है कि नहीं है? तो चर्चा के विषय नहीं है ऐसा, चर्चा के विषय तो बहुत है।
लेकिन चर्चित चर्चा करते नहीं। बराबर समझ में आया? तो इन दोनों चीजों से कोई लाभ नहीं है, ना स्त्री आदि की विकथा करने से और ना राजनीति की विकथा कर। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करो, राष्ट्र के लिए आपका ये सबसे बड़ा समर्पण, जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करो। बराबर, बाकी राजनीति की लंबी लंबी हाँकना छोड़ो, क्योंकि तुम्हें हाँकने से कुछ नहीं होता। घड़ी घर क्या कहते हैं, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, पान की गुमटी पे, बगीचे के बांकड़े पर, बराबर सोसाइटी की चौपालों पर, ना जाने कितनी पंचायत होती। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है इनको यहाँ क्यों, प्रभु आप यहाँ हो क्या, आपको तो किसी न्यूज चैनल पे डिबेट करने चाहिए। यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आपका ज्ञान हम जैसे पामर जीव नहीं झेल पाएंगे, आपका ज्ञान लाखों तक पहुंचना चाहिए। आप जाओ न्यूज चैनलों पर जाओ, हमें बख्श दो। इन शॉर्ट बराबर ख्याल में, ये विकथा है, बचना चाहिए राजनीति। और क्या बोले, दो विकथाएं और कौन कौन सी हुई, स्त्री कथा हुई, पछी वो क्या कहते हैं हुई, अब तीसरे नंबर की ये है ना चोर कथा है ना, चोर कथा। ये चोर कथा मतलब कैसे चोर आदि करते हैं, ऐसी अगर आप ऐसे कहें ना, थोड़े और मैं विस्तार से करूं उसको। व्यर्थ की बातें जैसे होती ना, रहस्यमय बातें, भूत प्रेतों की बातें, है ना, ऐसी ऐसी निरर्थक बातें जो थोड़ी कौतूहल वाली लगती हैं, लेकिन जिनमें दम नहीं होता, होता है कि नहीं होता? ऐसी बहुत सारी बातें होती ना जो आपको कौतूहल एक्साइटिंग लगती लेकिन दम नहीं होता, वो सब किसके अंतर्गत आती है, ये चोर कथा आदि के अंतर्गत। और एक और चीज जो माताओं बहनों की बहुत स्पेशल है, कौन सी कथा, भक्त कथा, खाने भोजन कथा, क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया क्या सवार नो पत्तियों नहीं कि सांझनो चाल। पहले ये कहवाए कई कथा, भोजन नहीं भी कथा है, चार रोटी खाने में 10 मिनट लगे, बराबर। अब इसके लिए 10 घंटे तक विचार करना कि कहां तक व्याजबी कहा जाए। मैं तो बहुत बोलता हूं कि भोजन जब तक यहाँ है तब तक स्वाद नहीं, और यहाँ से अंतर उतरा तो भी स्वाद नहीं। तो स्वाद कितनी देर का है, 2-5 सेकंड तक यहाँ रहता उतनी देर का स्वाद है, और उस स्वाद के पीछे ना जाने कितना व्यर्थ का बकवास विसंवाद। इसीलिए ज्यादा भोजन आदि की चर्चा में नहीं उतरना चाहिए। गुजरात में थोड़ी ज्यादा ही होती, कोई कहीं पर भी जाए क्या शू वखणाए छे, शू लेने आओ, जो अम्बाद जाए तो हलवासन लेने आओ, सूरत जाए तो सुतरफेणी लेने आओ, सुरेंद्रनगर जाए तो आम लेने आओ, एटले ज्यां जाए त्यां थी कहीं ना कहीं लेने आओ। बराबर, ये जो जितना विचार भोजन का होता है उतना विचार भजन का क्यों नहीं होता? समय सार की गाथा सुनाओ, प्रवचन सार की गाथा सुनाओ, ये क्यों नहीं, क्या मजा नहीं है? करो तो मजा आवेगा। बराबर, तो ये चार प्रकार की मैंने कहा ना, निश्चय वचन गुप्ती वचन व्यवहार को रोकती है। बराबर, व्यवहार वचन गुप्ती वचनों के दुरुपयोग को रोकती है। इसीलिए एक में आत्मानुभवन होता है और एक में क्या होता है कि पाप आदि से बचते हैं, इतना फायदा होता है। ठीक है, आगे देखो, निश्चय काय गुप्ति पढ़ो। हाँ बोलो बोलो बोलो। परिहारनो मतलब हटाना, वचनों को हटाना, और असत्य आदि की निवृत्ति वाले अप्रामाणिक वचनों को हटाना, प्रामाणिक वचन बोलना, ये ही क्या कहलाता है, मतलब व्यवहार से वचन गुप्ति कहलाता है। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं। निश्चय काय गुप्ति बोलो। निश्चय काय गुप्ति, स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परीक्षा आ जाने पर भी अपने पर्यंकासन से ही स्थिर रहे किंतु डिगे नहीं,
उस मुनि के ही काय गुप्ती मानी गई है, व्यवहार काय गुप्ती। पांच स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निवृत्ति सो काय गुप्ती है। देखो अब यहाँ पे क्या बात है काय गुप्ती में कि स्थिर आसन ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आपने छैडाला में पढ़ा होगा ना, इस संबंधी कोई लाइन पढ़ी है, छैडाला छठीडाल, तीन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। कि ऐसे स्थिर हो जाते हैं मुनियाज, ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि एकदम कास्ट की भांति, लकड़ी की भांति, कि हिरण ऐसा लगता है कि जैसे मुनिराज पत्थर के हो। तो हिरण को अगर खुजली आएगी तो क्या करेगा, उसके पास एक्स्ट्रा हैंड तो होता नहीं है, वरना वो डुप्लीकेट होता है कि ऐसे ऐसे कर करके खुजा रहे, तो क्या करेगा, वो तो पत्थर से ही अपना पूरा प्रोग्राम करता है ऐसे ऐसे करके, बराबर ना। तो मुनिराज को देखकर ये भूल जाता है, इतनी अचल होते हैं मुनिराज कि जैसे मानो एक पाषाण। ऐसी काय गुप्ती पर्यंक मतलब कहलाता है पद्मासन, आसन जिसे बोलते हैं ना, पर्यंक आसन, पलौठी मारना सरल भाषा, कि जैसे बैठे हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे मानो कुछ भी उनके लिए अब कुछ याद आते ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहलाता है निश्चय से काय गुप्ती। और व्यवहार से काय गुप्ती क्या है? बोले व्यवहार से काय गुप्ती ऐसी है, देखो व्यवहार से काय गुप्ती कहते हैं कि असत प्रमादमयी प्रवृत्तियों को हटा दे, पांच स्थावर और त्रसों की हिंसा की निवृत्ति कर, ऐसा आचरण करना कि जिस आचरण से जीवों का घात ना हो। सरल भाषा में कहें तो देखकर चलना, देखकर खाना पीना, देखकर उठना बैठना, देखकर वस्तु रखना, ये सब व्यवहार काय गुप्ति में आते हैं। मतलब शरीर की सारी क्रिया ऐसे ध्यान से करना कि जिसके द्वारा एक भी जीव का घात ना हो, वो व्यवहार से काय गुप्ति कहलाता है। ठीक है, बराबर। अब देखो पढ़ो इसके आगे। योग निग्रह से सर्वर की सिद्धि कैसे होती है? इसमें अयत्नाचारी जीव के कायिक निमित्त से जिन कर्मों का अर्जन होता है, उन कर्मों का आश्रव काय योग का निग्रह करने वाले अप्रमत गुणस्थानवर्ती संयमी के नहीं होता। देखो अभी क्या कहते हैं, एक एक अपन पढ़ गए। अयत्नाचारी जीव के, जो जीव यत्नाचार नहीं कर रहा मतलब प्रमाद से, तो अयत्नाचार है, तो उसके द्वारा जो जो कर्म आते हैं अर्जन मतलब इनकम ऑफ कर्म, उन कर्मों का आश्रव काय योग का निग्रह करने वाले अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती के संयम नहीं होता। कि जो जीव है ना, वो जिनको कर्म आ रहा है और जो प्रमाद से कर रहा है उसको कर्म आ रहा, तो जो प्रमाद से नहीं कर रहा उसको कर्म आना रुक रहा है। तो जो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती संयमी जीव है वह यत्नाचार प्रवृत्ति करता है, अयत्नाचार की प्रवृत्ति छोड़ता है, इसीलिए जो अयत्नाचार से पाप आने वाला था वो उनका आना रुक जाता है, इसीलिए संवर हो जाता है। समझे कि नहीं समझे पॉइंट? ख्याल में आया कि नहीं आया? कर्मों का संवर कैसा संवर बोला? शुद्धता वाला संवर नहीं बोला, कर्मों का आना रुक गया। कैसा रुका? कि पहले जो पाप कर्म जिस रूप में आ रहे थे वो आना रुक गए, आ तो रहे हैं लेकिन उस टाइप के नहीं आ रहे, तो इसीलिए वहां पे संवर कहा। अगला पढ़ो, पढ़ो आगे का। इस प्रकार इसी प्रकार वाचनिक असंवरी अर्थात संवर रहित असत प्रलापी जीव के अप्रिय वचनादि के हेतु वाचनिक व्यापार निमित्तक जो कर्म आते हैं, वचनों का निग्रह करने वाले योगी के उन कर्मों का आश्रव नहीं होता। देखो अब वो भी क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो जीव प्रलाप करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? प्रलाप सरल भाषा में बोल 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 करते रहते। अब स्वाभाविक है जब आप अधिक बोलोगे बक बक करते रहोगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं, और क्वालिटी मेंटेन नहीं होती तो व्यर्थ का बोलने से पाप होता है,
इसीलिए वो लौकिक में कहते ना, आपको दो कान दिए और एक मुंह दिया, किसके लिए? दो बार सुनो, दो तरफ सुनो और एक बार बोलो। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, सुनना तो है ही नहीं और सुनाना डबल। वो तो भला है कि मैं इस समय प्रवचन कर रहा हूं, इसलिए सुनाने का डिपार्टमेंट मिला, बाकी टाइम तो सुनना ही पड़ता है। हैं? सुनने में क्यों? कारण ये है क्योंकि लोगों को सुनने में रस कम होता है, सुनाने में बहुत रस होता है। कई बार तो ऐसी हंसी आती है कि पेट भर सुनाने के बाद जब मेरा कुछ कहने का टर्न आता है, क्योंकि बीच में तो बोलने का मौका ही नहीं देते, और जैसे टर्न आता है मोड़ उठे ही रहो जाए पची मड़ी ने बात करी ले, ले। अब क्या करें तो फिर मैं आप लोगों को सुना देता हूं है? समझ में आया कि नहीं है? मतलब ऐसा कई बार होता है, सामान्य परिस्थिति में बहुत कम लोग आज के जमाने में हैं जिन्हें सुनना पसंद है, बराबर। सुनाना सबको पसंद है, सुनना बहुत कम लोगों को पसंद, बराबर। और सुनने में ज्ञान की बातें सुनना ये तो और कम हो गया, और सुनकर याद करना वो तो क्या मालूम किस जमाने की बात हो गई। इसीलिए थोड़ा सा विचार करना, अपन भले पुरातन है, डायनासोर के वंशज हैं, लेकिन तो भी सुनने सुनाते रहेंगे, चिंता मत करना, आज के जमाने के नहीं, बराबर। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारा का तो नाम ही श्रावक है। क्या है? श्रावक। श्रावक मतलब क्या होता है? कौन है श्रावक? श्रावक शब्द का एटिमोलॉजिकल अर्थ क्या है? सांभळनारो। नहीं, सांभळनारो। पंडित जी जो पोता नहीं जाते, सांभळनारो समझे तो पंडित जी छे ज नहीं, श्रावक पण नथी। સાંભળનારો જે સાંભળે છે, કોની સાંભળે છે? જીનવાણી માની સાંભળે છે, એ શ્રાવક હોય છે। એટલા માટે અહીંયા કહું છું કે સુનને સે જ્યાદા, બરાબર, સુનાને સે જ્યાદા કિસમે રસ રખો? સુનને, બરાબર। ઓર એસા બહોત હોતા હૈ, મિત્રો યા દોસ્તો હો, ભાઈ બંધુ હો, રિશ્તેદાર હો, सबको एक ही बात होता है। फोन पे भी कई बार बात चलती है, सामने वाला कहता है पहले मेरी सुनो, वो कहता है सामड़ो पहले मने सामड़ो, सामने वालों कहते पहले मने सामड़ो, बनने एक बीजा ने संभाव। अरे भाई एक हो रही जाए, एक एक कर ही ने संभा भी जाए, बराबर। डे बाय डे ये चीज कम होती जाती, इसीलिए मैंने बोला ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायनासोर के वंशज बन जाओ, लेकिन सुन। आधुनिक काल अगर सुनाने का है तो हम आधुनिक नहीं, बराबर। समझ में आया? हमें तो सुनना है, हमेशा सुनना है, जिनवाणी से सीधा सीधा सुनना है, अथवा जगत का भी कोई कुछ भी बोले, भले ही बोलता रहे, हम सुनेंगे तो जिनवाणी, हमें क्या फर्क पड़ता है? बीजो धंधो शू थे अपनी पास? श्रावक नाम जिनवाणी माए पाड़ियो छे, सांभळे सांभळे सांभळे, એટલે આપણો જોબ પ્રોફાઇલ નક્કી થઈ ગયો। શ્રાવક છે એટલે સાંભળું છું, કોની સાંભળે છે? જીનવાણી ની સાંભળે છે, બરાબર ને? ચાલો, એ ચીજ આપ સમજના। તો વાચનિક જો પ્રલાપી જીવ હોતે હૈ તો ઇસ પ્રકાર કે જો કર્મ આતે હૈ ઉન વચનો કા નિગ્રહ વચન ગુપ્તિ કે દ્વારા હો જાતા હૈ તો ઉસ હિસાબ સે ઉનકો આશ્રવ નહીં। તીસરે નંબર પે પઢો, રાગ દ્વેષ આદિ સે અની अभिभूत प्राणी के अतीत अनागत विषयाभिलाषा आदि से मनोव्यापार निमित्तक जो कर्म आते हैं वे कर्म मनो निग्रही के नहीं आते। देखो कितना बढ़िया बोला कि जो जीव राग और द्वेष में सना हुआ है, डूबा हुआ है, तल्लीन है, लथपथ, ऐसे जीव को अगर विचार भी होगा तो किसका होगा? सपने भी आएंगे तो किसके आएंगे? प्लानिंग भी करेगा तो किसकी करेगा?
भूत की भविष्य की मात्र और मात्र विषय अभिलाषा, एक ही काम उसको रहता है, धन का विचार भूख का विचार, धन का विचार भूख का, एक जगह घूम के आएगा नहीं तो अगले साल कहाँ जाना उसकी प्लानिंग चलने जाएगी, होता कि नहीं होता ऐसा? एक वस्तु लेकर आया नहीं कि अभी बस अगले अगले हफ्ते कौन सी चीज लेना इसकी प्लानिंग चलती रहे, एक सुबह का खाना खा के निपटा नहीं तो वहां क्या करना इसकी प्लानिंग चलती रहती। विषयाभिलाषी जीव हमेशा हर समय विषयों की तृष्णा में ही जलता रहता है, बराबर। इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि भी ऐसी तृष्णा करने से लाभ क्या है, कोई लाभ नहीं, तो हानि क्या है, बोले बहुत हानि है क्योंकि इस तृष्णा से कर्म बन रहे। तो ऐसे जो मनोव्यापार निमित्तक जो कर्म आते हैं कि मन के निमित्त से विषयों की वासना, और देखो वास्तव में विषय सेवन से कर्म कम है, विषयों की अभिलाषा से ज्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो शारीरिक असमर्थता के कारण अथवा संयोगों की प्रतिकूलता के कारण अथवा अपने किसी भी अन्य बाहरी कारण से भोगते नहीं है, लेकिन अभिलाषा निरंतर वही चलती रहती। शास्त्रकार कहते हैं कि उनको ज्यादा कर्म बंद रहे, तंदुल मत्स की जैसा हिंसा में प्रमाद और विषय सेवन में अभिलाषा। तंदुल मत्स जीवन में एक मछली नहीं खाता लेकिन इतना पाप करता है कि सीधा सातवें नरक में जाता, क्यों? लगातार ये कितना मूर्ख है महामत्स, इतनी मछलियां आती है एक को भी नहीं खाता, मैं इसकी जगह होता तो सब कर देता। बहुत सारे लोग होते हैं कम पैसे वाले होते हैं, पैसे वालों को देखकर बोलते हैं ऐसा, अरे आ तो पैसे वालों गांडो छे, एनी जगह हूं होत तो सवारती सांसुरी थोड़ी धंधा पानी कर आम फरवा जात ना आम करत ना तेम करत, एटले आवू बोले ना पोते छे के वो हैं, पोते छे ये वो कि जेम के भाई ना कि कड़के तो कड़के पर सहजा दे के लड़के हैं, इच्छे कड़को कि चाना पैसा ना होए पर बात तो ये भी कर से बापू कि अपने तो अबे ताजमहल ले उच्छ। अभिलाषा के कारण निरंतर करूंगा, इसीलिए कभी भी अपने यहाँ पर एक आ गया है कि भोग से भयंकर भोग की अभिलाषा, बंधन उससे होता है, बराबर। और ये चीज को यहां बताया जा रहा है कि का मनोनिग्रह जिसका है वो भूत और भविष्य की अभिलाषा छोड़ देता है और इसीलिए उसको महान कर्मों का संवार हो जाता है, अब वो आते नहीं। अतः योग निग्रह हो जाने पर तत्संबंधी कर्म नहीं आते हैं, इसीलिए उसको योग निग्रही को संवर सिद्ध हो जाता है, बराबर। कि जो ऐसे काया का संवर करता है, वचन का संवर करता है और मन का संवर करता है, ऐसे मन वचन काय का संवर करने वाला भले ही आत्मा में ना जाए लेकिन उसको बड़े बड़े महान महान कर्मों का आश्रय नहीं होता है, तो महान कर्मों का आश्रय नहीं हो रहा है इस अपेक्षा से उसको क्या बोला, संवर कह दिया है व्यवहार से। बाकी निश्चय से संवर तो आत्मानुभव पूर्वक होता है, बराबर। ये व्यवहार की बात है इसीलिए यहाँ व्यवहार से ऐसा, बराबर। ठीक, इतनी चर्चा लगते बाकी।